आज मैं आपको बता रही हूँ लहासा की ओर की सरल शब्दों में व्याख्या। लहासा की ओर जो पाठ है वो राहुल शंकरतैन द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में उनकी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया गया है। इसमें पहला प्रश्न है, नोट्स के रूप में मैं आपको सारे प्रश्न बता रही हूँ। अगर आप प्रश्न को समझ लेंगे तो आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। यानी कि जब वो दूसरी बार गया है तिब्बत तो वहाँ उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, तो भी उसे उचित स्थान क्यों नहीं मिला। इसका सबसे बड़ा कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जान पहचान ऐसी जो संबंध हैं, जान पहचान है, उसके आधार पर लेखक को ठहरने का उचित स्थान मिल जाता है। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहाँ जान पहचान थी, लेकिन 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था, इसलिए अच्छे कपड़े होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोंपड़ी में रुकना पड़ा। यह उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण हुआ था। वहाँ के लोग शाम होते ही छंड पीकर होश खो देते थे, और अब की बार सुमति भी लेखक के साथ नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छे कपड़े होने के बावजूद भी अब की बार ठहरने का स्थान नहीं मिला। और पहली बार जब वो गए थे तो भीखमंगे के वेश में थे, लेकिन फिर भी थोंगला के आखिरी गांव में पहुंचने पर उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान मिल गया था। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। उस समय का जो समय था तब कानून नहीं था कि कोई हथियार रखता है या नहीं रखता है, इस कारण लोग खुलेआम बंदूक पिस्तौल आदि लेकर के चलते थे। साथ ही वहाँ पर डाकुओं का डर भी था, इसलिए और वहाँ पुलिस के प्रबंध भी नहीं थे, ना ही कोई ऐसा खुफिया विभाग था। किसी को भी डाकू आसानी से लूट ले लेते, इसलिए यात्रियों को हत्या का भय बना रहता था। तीसरा प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे। जब लेखक लंकोर के मार्ग में जा रहे थे तो उनका घोड़ा थक कर धीमे चलने लग गया था, और वो लगभग 1.5-2 किलोमीटर अपने साथियों से अलग हो गए थे, और वहाँ पिछड़ कर वो अपना रास्ता भूल गए थे। प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार जाने से नहीं रोका, क्यों? लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका ताकि वह वहां जाकर के ज़्यादा समय नहीं लगाए। इसलिए क्यों? क्योंकि लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। लेकिन दूसरी बार क्या हुआ कि लेखक को मंदिर में रखी हुई पुस्तकें इतनी मूल्यवान लगी, इतनी हस्तलिखित पुस्तकें उन्हें मिल गई थी जिसे वो एकांत में पढ़ना चाहते थे, और वो चाहते थे कि सुमति चला जाए तो उन्हें बुक्स पढ़ने का समय मिल जाए, तो इसने सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी थी। प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब लेखक यात्रा कर रहा था तो उसे निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। दूसरी बात जो थी, भिखमंगों को लोग घर में घुसने नहीं देते थे, इसलिए उन्हें ठहरने के स्थान को लेकर के कठिनाई हुई। तीसरी जो कठिनाई आई थी, डांडा थोंगला जहाँ पर डाकुओं का बहुत अधिक डर होता है, वहाँ उस जगह को उन्हें पार करना था, ये बहुत ही खतरनाक स्थान था। चौथी जो उन्हें कठिनाई आई, लंकोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक गए थे वो, और उनका घोड़ा अन्य साथियों से 1.5-2 किलोमीटर पीछे
रह गया था, यह उन्हें सबसे बड़ी समस्या आई। प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उत्तर में इस प्रकार लिखेंगे, तिब्बत का तिंगरी प्रदेश विभिन्न जागरों में विभक्त, यानी अलग अलग जागीरों में बटा हुआ था। अधिकतर जागीर जो थी वो विभिन्न मठों के अधीन थी। मठ होते हैं, प्राचीन मठ होते हैं, जैसे मंदिर होते हैं, हमारे धार्मिक स्थल होते हैं मठ। तो जागीरों के जो मालिक थे वो खेती का प्रबंध खुद करवाते थे, स्वयं ही करवाते थे। खेती करने के लिए उन्हें बेगार मजदूर मिल जाते थे। सारे प्रबंध की देखभाल कोई मठ का भिक्षु करता था। मठ का जो मेन व्यक्ति होता है उसे भिक्षु कहते हैं। भिक्षु सारे प्रबंध की देखभाल करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था, यानी जागीर के लोग उसका कैसा सम्मान करते थे, जिससे वो राजा है। तिब्बत के समाज में छुआछूत जाति पाति कोई कुप्रथा नहीं थी। कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर में अंदर तक जा सकता था, लेकिन भिखमंगों को चोरी के डर से वो घुसने नहीं देते थे। इस प्रकार का था उस समय का तिब्बती समाज। नेक्स्ट आता है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। इसमें कौन सा अर्थ बताया गया है? इस वाक्य में यह अर्थ है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। प्रश्न है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं बता सकते हैं? सुमति का परिचय और सम्मान, इसका दायरा बहुत बड़ा था। तिब्बत के तिंगरी प्रदेश में लगभग हर गांव में सुमति को लोग जानते थे और धर्मगुरु के रूप में उसका वहां पर सम्मान होता था। जिस घर में भी वो जाते थे उनका आदर किया जाता था। वे सबको बोध गया का गंडा प्रदान करते हैं। लोग गंडे को पाकर धन्य अनुभव करते हैं। गंडा एक ताबीज होता है जो कपड़े और धागे से सिलकर बनाया जाता है। सुमति स्वभाव से सरल थे, मिलनसार, स्नेही और मृदु भी रहे होंगे, तभी लोग इतना उन्हें आदर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए था। इस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से क्या यह उचित है या अनुचित है? उत्तर में, जब हम किसी से मिलते हैं तो सामान्यतः उसके कपड़ों से हम उसकी पहचान करते हैं। जब हम किसी के खराब या गंदे कपड़े देखते हैं तो हम उसे तुत्कार देते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में था, इसलिए उसे यह नहीं लग रहा था कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मान देगा। मेरे विचार से यह अनुचित है, क्योंकि अनेक महात्मा संत होते हैं जो साधारण वस्त्र पहनते हैं, लेकिन उनका चरित्र जो है वो उच्च होता है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। लेकिन अच्छी वेशभूषा के लोग भी कुत्सित विचारों वाले हो सकते हैं, जबकि गरीब व्यक्ति भी श्रेष्ठ चरित्र का हो सकता है, ऐसे मेरे विचार हैं। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र बताएं। प्रश्न है, तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ बर्फ पड़ती है, इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है, डांडे के ऊपर से समुद्र तल की गहराई 17,000 से 18,000 फिट है। पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखते हैं। भीते की ओर दिखने वाले पहाड़ों पर ना तो बर्फ की सफ़ेदी है और ना ही कोई हरियाली। उत्तर की तरफ पत्थरों का ढेर था। प्रश्न है, यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? आपने मेरे बचपन के दिन संस्मरण पढ़ा। संस्मरण भी गद्य साहित्य की एक विधा है। इसमें लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताया है। यात्रा वृतांत और संस्मरण दोनों ही गद्य साहित्य की विधाएं हैं।
दोनों एक दूसरे से अलग हैं। संस्मरण में हम अपने पुराने अनुभवों के आधार पर अपने जो जीवन में व्यक्ति आए हैं उसकी जो स्मृति होती है उसके बारे में लिखते हैं। जबकि यात्रा तंत्र में क्या होता है, हम जब किसी क्षेत्र की यात्रा करते हैं और हमें वहाँ जो अनुभव होता है उसके बारे में हम लिखते हैं। प्रश्न है, किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। कैसे? सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पो फटने वाला था कि हम गांव में थे, तारों की छांव छांव में हम गांव पहुंच गए। नीचे लिखे वाक्य को अलग अलग तरीकों से लिखिए। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे बढ़ रहा है या पीछे। उत्तर कैसे लिखेंगे? यह पता नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा चल भी रहा है या नहीं। दूसरा तरीके से लिखेंगे, कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था घोड़ा पीछे जा रहा है।